हेलो बड़े गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं कि सर, हम जब एमएस्ट कार्ड पर एमएफसी में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब एमएफसी में अप्लाई करने के बाद आपका होल्ड एंड टाइट आ गया है। अब दोस्तों, ये होल्ड एंड टाइट के ऊपर मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने होल्ड एंड टाइट के बारे में विस्तार से समझाया था, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं सही तरीके से समझाई। उस मेरे को लग रहा था कि ये वीडियो मेरे को फिर से एक बनानी चाहिए, ताकि आप लोगों में बहुत ज़्यादा कमेंट है कि हम सर, ये होल्ड एंड टाइट कैसे रहता है और होल्ड एंड टाइट कब तक रहता है, यानी कि आपकी मतलब होल्ड एंड टाइट जब अप्लाई करते थे तो ये कब तक रहता है और कैसे हटता है, कैसे आपका एमएफसी में सिलेक्शन होगा और कैसे आपको पैसा मिलेगा। वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एमएस्ट कार्ड से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज मिलती रहेगी मेरा। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हो, एमएस्ट कार्ड को मोजेप दोनों आपस में मर्ज हो गया है, और यहाँ पे जैसा कि जानते हो, मोजेप पर पहले से ही सब कुछ पूरी तरीके से सबको सही चल रहा है। होल्ड एंड टाइट आता है, होल्ड एंड टाइट के आने के बाद वेलकम टू मोजेप कैटर लेके आ जाता है, यानी कि एमएफसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है और डायरेक्टली आप एमएफसी से पैसा कमाने लगते हो। जो भी आपको मीन्स मिलते हैं उनसे आप पैसा कमा सकते हो और डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे अभी एमएस्ट कार्ड पर जो नया एमएफसी का सिलेक्शन वाला जो सिस्टम आया हुआ है, यहाँ पे अक्सर लोग जब एमएफसी में अप्लाई करते हैं तो उनको होल्ड एंड टाइट आ रहा है। अब यहाँ पे जब होल्ड एंड टाइट आपका आ रहा है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो कि हमारा एमएफसी में सिलेक्शन होगा ही नहीं, हमारा होल्ड एंड टाइट ही रहा, मेरे 4 दिन हो गए, मेरे 5 दिन हो गए, मेरे 6 दिन हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो हम विस्तार से समझते हैं कि होल्ड एंड टाइट होता क्या है। जब आपका एमएफसी में अप्लाई करते हो, आप अपनी 4-5 वीडियो जो कि आपकी वीडियो पड़ी होगी, तो पहले से अगर आपकी वीडियो अगर नई आईडी बनाते हो तो उसके बाद में 4 वीडियो अपलोड करने के बाद एमएफसी में अप्लाई करते हो तो आपको होल्ड एंड टाइट आता है। अब ये होल्ड एंड टाइट का मतलब क्या था, अब सीधा सीधा मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि मान के चलो, हम किसी के पास कॉल लगाते हैं तो कोई बंदा क्या कहता है, रुको जरा, हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, आप मेरी कॉल को होल्ड पर रखिएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपकी कॉल को होल्ड पे रख देता है, वो बताने लगता है कि आपकी कॉल होल्ड पे है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने जब एमएफसी में अप्लाई किया है तो एमएस्ट कार्ड टीम के पास आपकी आईडी पहुंच चुकी है। अब पहुंच चुकी है तो वहां पे आपकी आईडी जो है होल्ड पर है, मतलब आपकी आईडी चेक की जा रही है। तो वहां पे चेक करने में कितना टाइम लगता है, अब देखिए, चेक करने में हमारी, जैसे कि चेक करने में यही मान के चलो, अभी एमएस्ट कार्ड पर एकदम से ऑडियंस भाग कर आ गई है। एमएस्ट कार्ड पर जितने भी छोड़ छोड़ के भाग गए थे, वो डायरेक्टली सारे लोग अब एमएस्ट कार्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट सभी लोगों ने भाई एमएफसी में अप्लाई कर दिया, भाई सभी लोगों की आईडी पहले से बनी हुई थी, सभी लोगों ने एमएफसी में अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेकिंग में टाइम लग रहा है। और यहाँ पे और भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप मान के चलो आपका होल्ड एंड टाइट हटता है, उसके बाद में आपका आ जाता है बिल विजन हाफ डन। तो यहाँ पे ये बिल विजन हाफ डन कैसे आता है, जैसे कि मान के चलो आपका होल्ड एंड टाइट हटा और आपका आ गया बिल विजन हाफ डन, यानी कि आपका वेलकम टू मोजेप कैटर लिख के नहीं आया, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी में कुछ कमी है, अपनी कमियाँ को सुधारो। यहाँ पे आपका टाइम बढ़ा दिया जाता है कि जैसे कि 30 दिन कर दिया जाए, 40 दिन कर दिया जाए, 60 दिन कर दिया जाए, जिस तरीके से यहाँ पे बिल विजन हाफ डन में जितने दिन तक आप अपनी आईडी को सुधार करोगे, उतने दिन तक आपकी एमएस्ट कार्ड आईडी जो है बिल विजन हाफ डन के हिसाब से आगे डन के लिए बढ़ा देता है, जिससे कि आप अपनी आईडी को सुधार सको। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि बिल विजन हाफ डन होने के बाद आपका एमएफसी में सिलेक्शन होता है। जब आप अच्छी खासी वीडियो बनाते हो तो आपका एमएफसी में सिलेक्शन हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि जब नए बंदे होते हैं, जैसे कि हम लोग होल्ड एंड टाइट अभी हम लोगों को आईडी पर दिख रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी आईडी भाई बिल्कुल सेफ है, आपकी आईडी में कोई भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। आप लोग मेरे पास कमेंट करते हो, सर हमारी आईडी चेक कर लीजिए, मेरा होल्ड एंड टाइट आ रहा, कुछ मैंने कमियाँ तो नहीं की। देखिए, जब तक आपका होल्ड एंड टाइट आ रहा है, तब तक मान के चलो आपकी आईडी बिल्कुल सेफ है और आप एमएस्ट कार्ड से पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, होल्ड इन टाइट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एमएफसी में सिलेक्शन भी होगा। तो जैसे जैसे एमएस्ट कार्ड पर न्यू से न्यू अपडेट्स आते रहेंगे और नए से न्यू जैसे टीम तैयार होती रहेगी, उसी हिसाब से यहाँ पे फास्ट तरीके से काम स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जल्द से जल्द में सभी लोगों का, मान के चलो अभी तो हफ्ता, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, जैसे कि हर वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ, तो 1 से लेकर 2 हफ्ते लग सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अभी सभी लोगों को चल रही है, केवल आपको नहीं चल रही है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू जो भी आप एमएस्ट कार्ड पर वीडियो अपलोड करते हो, तो जो भी हैशटैग आप लगाते हो, तो कम से कम 5 हैशटैग 4 हैशटैग से कम मत लगाना, ठीक है। जितना ज़्यादा हैशटैग लगाओगे अपनी वीडियोस में, उतने ज़्यादा लाइक आएंगे, उतने ज़्यादा फॉलोवर्स आएंगे, मोजेप को लगेगा कि ये बंदा काम कर रहा है और अच्छा खासा यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अपना टैलेंट दिखा रहा है और अच्छे खासे हमारे मतलब हैशटैग को यूज कर रहा है, तो आपका एमएफसी में सिलेक्शन जल्दी हो जाता है और आपका होल्ड एंड टाइट हटके वेलकम टू मोजेप कैटर लिखे
आ जाता है, आपका मोजफर कैटे में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में आपको मीन्स वगैरह मिलने लगते हैं और यहाँ से आप अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हो, हफ्ते बाई हफ्ते आपको मीन्स मिलते हैं। ठीक है, तो यही थी छोटी वीडियो में जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मिलते हैं मेरे भाई नई वीडियो में नई टॉपिक साथ, तो लीजिए।